Welcome students, welcome to our math session and today is our day 2 or part 2 of our maths lecture. In previous lecture we learned how to read time. Now we are going to learn quarter past and quarter 2. Hum kya sikhenge students aaj? Quarter past kya hota hai aur quarter 2 kya hota hai? So when the minute hand is at 3 and the hour hand is between any two consecutive numbers, the time is quarter past the smaller number. Dekho students, अगर मिनट हैंड 3 पर है और आवर हैंड जो कोई भी दोनों कॉन्जिगेटिव नंबर के बीच में, कॉन्जिगेटिव नंबर मतलब जो एक के पीछे एक आते हैं, सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं अभी, सपोज ये क्लॉक है, ओके अगर ये क्लॉक है ओके, सो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, या फिर ऐसे भी कर लूंगे आप 7, 8, 9, 10 ओके सपोज ये क्लॉक है तो ये जो है मिनट हैंड इज एट 3, मिनट मतलब बड़ा वाला हैंड अगर 3 पे है और छोटा कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच, अब 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव है, 5 के बाद 6 आता है, छोटा काटा 5 और 6 के बीच में रहा तो जो छोटा काटा होता है ना, जो छोटा नंबर होता है ना उसको पकड़ना है आपको और उसको पकड़ के 15 मिनट हो चुके ऐसे कंसिडर करना है. द ओनली द टाइम इज क्वार्टर पास द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर कौन सा है फिर? 5 और 6 में 5 है बराबर. इसका मतलब क्वार्टर पास्ट हो गया, मतलब 5:15 हो चुके हैं यहाँ पे. द ओनली एक्सेप्शन ऑन दिस टू दिस इज व्हेन द अवर हैंड कम्स बिटवीन 12 and 1, द टाइम इज रीड एज क्वार्टर पास्ट 12. सिर्फ क्या होता है, अगर समझो अवर हैंड 12 और 1 के बीच में रहा तो यहाँ पे क्वार्टर पास्ट 12 होता है, समझ में? बाकी तो ये ऐसे ही आपको फॉलो करना है. जैसे कि छोटा काटा जो कि अवर हैंड है वो किसी भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में रहा तो जो छोटा वाला नंबर होता है उसे आपको कंसिडर करना होता है और बोलना होता है कि मतलब जैसे यहाँ पे मैंने 5 बताया तो 5:15 हो चुके तो उसे कैसे बोलते हैं हम? क्वार्टर पास्ट 5. ओके नाउ नेक्स्ट, व्हेन द मिनट हैंड इज एट 9 एंड द आवर हैंड इज बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, द टाइम इज क्वार्टर टू द ग्रेटर नंबर. और यहाँ पे उल्टा है. अगर सपोज यहाँ पे 3 की कंडीशन दी थी, अभी यहाँ पे 9 की कंडीशन है. क्या है? अगर मिनट हैंड 9 पर रहा, सपोज मैं यहाँ पे और एक क्लॉक ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ओके 12, 3 ये 9 और ये 6, यहाँ पे 7, 8 ड्रॉ कर लेते. अगर मिनट हैंड ये रहा, मिनट हैंड आपका ये 12 पे रहा तो जो भी कोई भी सपोज 6 और 7 के बीच में हमारा आवर हैंड तो कोई भी जो है अगर कॉन्जिक्यूटिव कोई भी दोनों के नंबर के बीच में अवर हैंड आपका हो रहा है तो आपको ग्रेटर नंबर कंसीडर करना है, मतलब 7, और बोलना है कि क्वार्टर टू 7, मतलब 7:05 बाकी है. 2 है मतलब बाकी है, पास्ट मतलब हो चुका है. ये दोनों चीजें आपको, ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी, एक 3 की और एक 9 की. ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. हमें मालूम है कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है. द क्वार्टर ऑफ एन आवर कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 60 मिनट्स इंटू 4 इक्वल पार्ट. अब क्वार्टर मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एक्चुअली जो 15 मिनट्स है ना, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है. सो द क्वार्टर ऑफ एन आवर इज 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15 मिनट्स. एग्जाम्पल, इन द गिवन क्लॉक द मिनट हैंड इज एट 3. देखो मिनट हैंड 3 पर है बराबर, और जो आवर हैंड है वो 6 और 7 के बीच में है स्टूडेंट्स बराबर. तो टाइम क्या हुआ है? 3 पे है. तो 3 की कंडीशन क्या कहती है? जो भी दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसका जो छोटा नंबर होता है उसमें से छोटा नंबर कौन सा? यहाँ पे अभी स्मॉल 6 है तो हम क्या बोलेंगे? द टाइम शोन इज क्वार्टर पास्ट 6. क्वार्टर पास्ट 6 और 15 मिनट्स पास्ट 6, मतलब 6:15 हो चुके हैं ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर क्वार्टर पास्ट 6 ऐसा भी आप बोल सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेलिंग टाइम टू 5 मिनट्स. ये इतना समझ में आई? सिर्फ 3 की और 9 की कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स. अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ में आगे जाएगा. टेलिंग टाइम टू 5 मिनट्स, देयर आर 12 बिग डिविजन ऑन द फेस ऑफ क्लॉक. 12 बड़े बड़े डिविजन है, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है स्टूडेंट्स, है ना? If you look carefully, you will find that there are 5 smaller divisions between 2 consecutive numbers.
एक के बाद जो नंबर आता है उसके बीच में छोटी छोटी जो डैशेस होती है स्टोन्स, वो 5 होती है, वो आपको मालूम है। ईच स्मॉल डिविजन रिप्रेजेंट्स अ मिनट, छोटा एक डिवीजन एक मिनट रिप्रेजेंट करता है। इन एन आवर द मिनट हैंड गोज वंस राउंड द क्लॉक कवरिंग ऑल द 60 डिविजन्स, पूरे कितने होती फिर 60 डिविजन्स होते, देयर फॉर 1 आवर इक्वल्स टू 60, इसीलिए तो 1 आवर इक्वल्स टू कितने मिनट्स होते स्टूडेंट्स, 60 मिनट्स होते। तो यहाँ पे देखो क्लॉक बताए आपको, यहाँ पे 5 मिनट्स है, यहाँ पे 15 मिनट्स है, यहाँ पे 30 मिनट्स, यहाँ पे 45 मिनट्स। आप अगर काउंट करोगे वो डिविजन छोटे कांटे से लेकर बड़े कांटे तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मिनट्स हुए। द एडजोइनिंग क्लॉक शोज 255, यहाँ पे क्या बता रहा है, 255 बता रहा है वो क्लॉक। दिस मीन्स आफ्टर 5 मिनट्स द टाइम विल बी 3, इसका मत 255 है, 255 में अगर और 5 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 60 मिनट्स। इसका मतलब जब 60 मिनट होगा तो इसका मतलब 250 के 5 के बाद 60 मिनट हो गए पूरे, बराबर। इसका मतलब 2 के बाद कितने बजने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 बजने वाले, मतलब 3 बजने को 5 मिनट बाकी है। हेंस वी कैन से दैट द टाइम इज 5 मिनट्स टू 3, तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 मिनट्स टू 3, मतलब 3 बजने को 5 मिनट बाकी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर द क्लॉक शोज, ये वाला क्लॉक, हाँ 3:05, 3:05 हो चुके हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। दिस मीन्स 5 मिनट्स हैव पास्ड सिंस 3, पास्ड मतलब हो चुके, 5 मिनट्स पास्ड सिंस 3, हेंस वी कैन से दैट द टाइम इज 5 मिनट्स पास्ट 3। देखो क्या है स्टूडेंट्स, क्लॉक में अगर पास्ट बोला है तो मतलब एक ही ध्यान में रखना है, पास्ट बोला है मतलब हो चुके उतने मिनट्स या उतने आवर, और 2 बोला है तो मतलब उतने मिनट्स बाकी है या फिर उतने आवर्स बाकी है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। नाउ हियर एग्जाम्पल दिया है, दिए उन्होंने एक्सप्रेस टाइम इन 2 वेज, 2 वेज में आपको टाइम एक्सप्रेस करते आ सकता है। जैसे कि ये क्लॉक देखो आप, 6:20 हो चुके हैं यहाँ पे, बराबर, तो 6:20 हमने राइट कर लिया डिजिट्स में। अब इसको वर्ड्स में कैसे करते, 6:20 past 6 मतलब 20 मिनट हो चुके हैं 6:00, तो ऐसे ही यहाँ पे बाकी के रिप्रेजेंट किए हैं। तो वैसे ही हमें क्या करना है, अभी एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मिनट एंड आवर हैंड्स ऑन द क्लॉक फेस अकॉर्डिंग टू द टाइम मेंशन। अब आपको क्या करना है, क्लॉक दिया है आपको, यहाँ पे आवर हैंड्स और मिनट्स हैंड्स ड्रॉ करने। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मैं ये आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके बता रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपके जो फेयर नोटबुक है उस पर विद द हेल्प ऑफ बेंगल या फिर कुछ भी हो, चूड़ी हो या फिर कोई भी सर्कल हो, जैसे कि बॉटल का जो टैप होता है वो हो, वो उसकी हेल्प से सर्कल बनाना है और आपको क्लॉक्स ड्रॉ करके फिर उसमें हैंड्स ड्रॉ करना है। ओके, सो यहाँ पे 4:10 है, 4:10 है मतलब स्टूडेंट्स 4:10 हो चुके हैं। अब 4:10 है तो छोटा कांटा जो है वो 4 पर आएगा, बड़ा कांटा जो है वो 2 पर आएगा, तो ये होगा आपका फर्स्ट वाला आंसर। 7:15 मतलब छोटा कांटा 7 पर आएगा, बड़ा कांटा 3 पर आएगा, ये ऐसे। नाउ नेक्स्ट 5:04, अब 2 है मतलब 4:05 बाकी है, तो छोटा कांटा 4 पर आएगा और बड़ा कांटा जो है वो 11 पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 10:03, पास्ट है मतलब 3:10 हो चुके, छोटा कांटा 3 पर, बड़ा कांटा 2 पर, तो इसी तरह आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द टाइम इन 2 वेज, क्या है, 2 वेज में हमें एक्सप्रेस करना टाइम मतलब लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, 3 और 4 के बीच में है, बड़ा कांटा है 5 पर। अब हमें स्मॉलर क्या है, 3:00 हुए, देखो 5:10:15:20:25, सो यहाँ पे आएगा 3:25, तो कैसे लिखोगे, 25 मिनट्स पास्ट कितने हुए, 3, 3:00 हुए ना 25 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट बी क्या है, छोटा काटा है जो कि आवर एंड 8 और 9 के बीच में, और बड़ा काटा है 8, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे है गए है 8:40। आप
40 मिनट्स पास्ट 8 भी लिख सकते हो, या फिर 5, 10, 15, 25, या फिर 9:25 है ये भी लिख सकते हो। तो हम ऐसे लिखते हैं 25 minutes to 9। ओके नाउ नेक्स्ट। हाँ यहाँ पे 8 और 7 के बीच में है छोटा काटा, बड़ा काटा है 9 पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 7:45 हुए। लेकिन वर्डिंग में कैसे लिखोगे, जब 9 पे काटा होता है बड़ा वाला मिनट हैंड, तो हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर में से बड़ा नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल चूज करते हैं, जो कि है 8, बराबर। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, यस इट इज, यहाँ पे बोलेंगे हम, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे 1/4 to, कौन सा यहाँ पे 8, 1/4 to 8। ओके नाउ यहाँ पे देखो, छोटा काटा जो है अवर एंड 11 पे, बड़ा काटा है 1 पे, तो 11:05 हो चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 5 minutes past 11, 11:05। इसी ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है स्टूडेंट्स, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही राइट अप करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करना है आपको ड्रॉ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रॉस आउट द इनकरेक्ट टाइम, जो इनकरेक्ट टाइम है उसे हमें क्रॉस आउट करना है, टू ईट अ सैंडविच, बराबर। अब ईट सैंडविच, सैंडविच खाने के लिए आपको 2 hours लगते हैं या 10 minutes लगते हैं स्टूडेंट्स, यस इट इज 10 minutes आपको लगते हैं, 2 hours नहीं लगेंगे, तो 2 hours को आप क्रॉस कर दो। टू बेक अ केक, केक जब बेक करते हो तो उसके लिए 5 minutes लगते हैं या 45 minutes, यस इट इज ऑब्वियसली 45 minutes लगते हैं, तो 5 minutes को आपको कैंसिल करना है। टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, ब्रिज बनाने के लिए 2 hours लगते हैं या अ ईयर लगता है स्टूडेंट्स, कम से कम 1 year तो भी ब्रिज बनाने के लिए लगता है, तो 2 hours यहाँ पे कैंसिल होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको नोटबुक में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैच नीतू शेड्यूल विद द करेक्ट टाइम, नीतू का एक शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मैच करना है। तो देखते हैं, इट इज 15 minutes past 8 व्हेन नीतू स्टार्ट्स फॉर हर स्कूल, नीतू स्कूल के लिए जा रही कब, 8:15 मतलब 8:15 पर, तो ये हो गया यहाँ पे। नाउ इट इज 2:30 व्हेन नीतू कम्स आउट फॉर द स्कूल, 2:30 मतलब 2:30 हो चुका है जब नीतू स्कूल से बाहर आ रही, सो यहाँ पे है 2:30। नाउ इट इज 15 minutes to 5, 5:15 बाकी है व्हेन नीतू गो आउट टू प्ले, बराबर, व्हेन नीतू गो आउट टू प्ले, अब 5:00 बाकी है मतलब 4:45 हुआ, ये रहा इसका आंसर। इट इज 15 minutes to 8, 15 minutes to 8 मतलब 8:15 बाकी है, तो यहाँ पे कितना हुआ स्टूडेंट्स, इट इज 7:45, अगर 7:45 में आप 15 ऐड करोगे तो आपको मिलेंगे 8, तो यर इज 7:50। और बचा इट इज 9:30, 9:30 मतलब 9:30 हो चुके, तो ये रहा 9:30। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसे भी आपको नोटबुक में करना है, क्वेश्चन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ नोटबुक में करना है स्टूडेंट्स। नाउ टर्न द पेज और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, राइट द टाइम टेकन इन डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इन डेज आवर मिनट्स और सेकंड्स, आपको ये एक्टिविटीज करने के लिए कितना टाइम लगता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन सेकंड मिनट्स और डेज में लिखना है। ड्रॉ सर्कल, सर्कल आप अगर ड्रॉ करोगे तो आपको कितने दिन लगेंगे, आपको क्या लगेंगे स्टूडेंट्स, मिनट्स लगेंगे, तो आपको यहाँ पे मिनट्स लिखना है। ओके तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, इसी तरह बी सी और डी आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा करना है। नाउ टुडे वी विल एंड अवर सेशन हियर, इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विद अवर न्यू टॉपिक्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।